और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 10 बजे के 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, किसान आंदोलन को लेकर आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रदर्शन के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से पांचवें दौर की चर्चा के ऑफर के बाद किसानों ने दो दिनों के लिए दिल्ली चलो मार्च टाल दिया है। उधर गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट के किसानों ने आज 2 घंटे के लिए हाईवे जाम करने का आह्वान किया है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें पांचवें दौर की बातचीत का न्योता दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। हम सभी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमने सरकार से कई बार बातचीत की, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। कृषि मंत्री द्वारा बातचीत के लिए बैठक पांचवें दौर के लिए प्रस्तावित की गई है। और 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र कैबिनेट ने बुधवार को गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत साल 2024-25 के लिए गन्ना मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गन्ना मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए गन्ना की कीमतें बढ़ाई गई है। दस बजे की अगली ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज से गुजरात और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम थोड़ी ही देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वो अमूल कोऑपरेटिव के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम आज मेहसाणा में वाड़ीनाथ धाम मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम गुजरात में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी आज ही देर शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो कल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की पांचवी ब्रेकिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सीएम आवास पर आज शाम 4 बजे ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी। दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिल को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार पानी के बढ़े बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है, जिसके तहत केजरीवाल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की छठी ब्रेकिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। शाह रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत शाह कोंडा गांव में बैठक करेंगे और बस्तर, महासमुंद और कांकेर के लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 10 बजे की सातवीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें, सातवीं ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा में कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। राजनाथ सिंह सुबह 10:50 पर नमरंगपुर पहुंचेंगे और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे रक्षा मंत्री ब्रह्मपुर पहुंचेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे राजनाथ सिंह मयूरभंज लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। 2 दिवसीय मुंबई दौरे के दूसरे दिन आज जेपी नड्डा मुंबई के गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का पूजन और उद्घाटन करेंगे। नवी मुंबई में मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में शामिल होंगे। इसके साथ ही नड्डा मुंबई के साइन कोलीवाड़ा में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन और क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे। दस बजे की अगली ब्रेकिंग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है, अगले 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। उधर घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने अपनी एक टीम संदेश खाली भेजने का निर्णय लिया है। इन सब के बीच संदेश खाली में टीएमसी की 3 सदस्य कमेटी ने घर घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनना भी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 10वीं और आखिरी ब्रेकिंग। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने एक बार फिर से नए आंदोलन का ऐलान किया है। जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार ने ओबीसी में से आरक्षण नहीं दिया तो 24 फरवरी से महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा। वहीं मराठा समाज ने अपने गांव में रास्ता रोको अभियान चलाने का फैसला किया है।